सरायकेला सदर अस्पताल के चिकित्सक की लापरवाही से नवजात की गई जान, परिजनों ने की चिकित्सक पर कार्रवाई मांग, सिविल सर्जन ने दिया कार्रवाई का भरोसा। एक तरफ झारखंड सरकार स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने का दावा करती है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राज्य के लोगों को गुणवत्ता युक्त चिकित्सकीय सुविधा मुहैया करवाने की बात करते हैं, मगर सरायकेला सदर अस्पताल की घटना कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है, जहां मंगलवार को प्रसव पीड़ा से ग्रस्त एक महिला को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, मगर चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से नवजात की मौत हो गई। बुधवार को परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए सिविल सर्जन से कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि दुगनी पंचायत समिति सदस्य सविता सोए की भाभी को मंगलवार को प्रसव पीड़ा के बाद सदर अस्पताल सरायकेला में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि दुगनी पंचायत समिति सदस्य सविता सोए की भाभी को मंगलवार को प्रसव पीड़ा के बाद सदर अस्पताल सरायकेला में भर्ती करवाया गया, मगर पूरी तरह महज एक नर्स के भरोसे गर्भवती तड़पती रही, मगर ऑन ड्यूटी डॉक्टर मीरा अरुण गर्भवती की सुध लेने नहीं पहुंची। किसी तरह गर्भवती ने बच्चे को जन्म दिया, मगर सांस लेने में तकलीफ होने और समय पर इलाज शुरू नहीं होने के कारण बच्चे ने दम तोड़ दिया, जिससे परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा और अस्पताल में जमकर बवाल काटा। सूचना मिलते ही गम्हरिया प्रखंड के उप प्रमुख कयाम हुसैन मौके पर पहुंचे और सिविल सर्जन से मुलाकात कर लापरवाह चिकित्सक पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इस घटना के बाद प्रसूता के परिजनों में मायूसी छा गई है। वहीं एक बार फिर से चिकित्सकों की लापरवाही ने सरकारी सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वाकई डॉक्टर पर कार्रवाई होती है या मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। इंडियन न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए सरायकेला से प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। यहाँ सदर अस्पताल में हम लोग सोचे थे कि अच्छा इलाज होता है, अच्छा फैसिलिटीज मिलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं ऐसा मिलता है। एक तो मेरा फर्स्ट बच्ची थी जो कि बच्चा था कि यहाँ पर मेरा मम्मी मेरे को कल फोन करके बोले कि यहाँ पर हम सदर अस्पताल लेके आएंगे बोलते, लेकिन हम बोले कि तुम लोग उनका उधर राजनगर सामने है, लेकिन बोले कि नहीं सबसे अच्छा इलाज सरायकेला में होता है सदर अस्पताल में, इसलिए हमको बोली तो हम यहाँ का नंबर भी दिया एम्बुलेंस नंबर, फिर ये कॉल भी की थी पर एम्बुलेंस वाले बोले कि थोड़ा सा लेट लगेगा, लेकिन फिर भी मम्मी गाड़ी कहीं से अरेंज करके अपना गाड़ी से लेके आ गई और फिर रात भर तो ठीक से उन लोगों को देखा भी नहीं, बस दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है बस यही सब उन लोगों को देख रहा है, कुछ नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, ये लोग उन लोगों मतलब ठीक से बच्चा कब जन्म दिया था? सुबह आज सुबह 9:30 बजे। और कितना बजे का डेट हुआ? यहाँ से नहीं ले रहा था जब बच्चा जन्म हुआ, उसके बाद डॉक्टर कैसे इलाज चलेगा बताइए। अच्छा बच्चा जन्म पैदा होने के बाद डॉक्टर आए? डॉक्टर आएंगे तो पहले डॉक्टर नहीं आए थे? आपका नाम? सविता सोया, मैं दुगनी पंचायत के दुगनी गांव की पंचायत समिति सदस्य हूँ। अच्छा अच्छा, आप एक आदिवासी महिला हैं इसीलिए डॉक्टर के लापरवाही से इस तरह का हुआ है क्या? जी। आप इसमें क्या करना चाहते हैं? सर हम कार्रवाई करना चाहते हैं कि आइंदा ऐसे हरकत मतलब हद तक किसी का साथ ना हो। अच्छा, कौन डॉक्टर था? मीरा अर्जुन ने क्या नाम है? मीरा अरुण का तो नाम मीरा अरुण, डॉक्टर मीरा अरुण, मीरा अर्जुन अरुण। सीएस साहब के सस्पेंड होना चाहिए? जी जरूर होना चाहिए। अगर पूरा जिला के मालिक होने के नाते इस तरह का रवैया, कसाई खाना करवा रहे सरायकेला सदर हॉस्पिटल, ठीक से अगर ऐसे नहीं होगा, आज हम लोगों का साथ हुआ कल को कोई और का साथ हो जाएगा तो फिर बताइए भरोसा क्या रह जाएगा सदर अस्पताल का बताइए। हर कोई तो एक ही भरोसा में आता है कि वहाँ के सब कुछ ठीक अच्छा से चलाना। आदमी ये हॉस्पिटल होता है भगवान का रूप है, यही ना सोच के आते हैं सर यहाँ पर, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। आज सरायकेला सदर हॉस्पिटल में जो घटना घटी है,
कल दिनांक 9/5/2023 को दुगनी पंचायत के पंचायत समिति सविता सर के भाई के पत्नी थी, उनको इलाज के लिए डिलीवरी गर्भवती महिला थी, उनके इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल लाया गया था। कि जिला के महत्वपूर्ण अस्पताल है, इसी कारण लोग विश्वास करके यहाँ पर पेशेंट को लाया जाता है। लेकिन सिविल सर्जन की लापरवाही और जो उपस्थिति में डॉक्टर मीरा अरुण थी, उनके उपस्थिति में एक बच्चा जन्म हुआ, जो कि रात भर तड़पती रही पेशेंट गर्भवती महिला, लेकिन नर्स के अलावा कोई डॉक्टर उनके पास नहीं गया, नहीं जांच की। आज सुबह में डॉक्टर मीरा अरुण जो थी, उनका नहीं पहुंचते ही वो किस्मत बड़ी उस महिला का तेज थी कि बच्चा जो है जन्म हुआ, करीब 9-9:30 बजे जन्म हुआ। जन्म होने के बाद बच्चा की सांस में परेशानी आई, सांस लेने नहीं सक रहा था। इसी दरमियान डॉक्टर को जब मीरा और उनको बुलाया जा रहा, तब बोली कि हम क्या करेंगे, आप लोग बेहतर इलाज करवाना है तो ले जाइए दूसरा जगह। अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी इतना जनता के प्रति इतना खर्च कर रहे हैं, जगह जगह कैंपिंग लगा करके, और स्वास्थ्य के लिए सभी हॉस्पिटल में इतना व्यवस्था है, तो इस कारण में इस तरह का घटना घट रही। डॉक्टर का मनमानी नहीं चलेगी, और जो भी सदर हॉस्पिटल में कर्मी हैं तो सुधर जाए, ताकि किसी को अगर थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हो, चाहे गर्भवती महिला हो, अगर पेशेंट पहुंचती है तो सीधे वो लोग रेफर की बात करती है। आज रेफर का चलते और डॉक्टर का लापरवाही से एक आदिवासी महिला के एक पुत्र, जो प्रथम उस महिला की गर्भवती महिला की वो बच्चा था, वो आज इस दुनिया में नहीं रहा है, डेथ कर गया करीब 9:30 बजे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मानवता बोल के कोई चीज़ है कि नहीं? अगर आदमी के पास मानवता रहेगा तो बहुत कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं। ये 10 करोड़ का जो इमारत है सरायकेला सदर